शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा, तो आज तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ का पहला दिन है, है ना? पहला दिन मतलब मेमोरेबल डे। न्यू ऑफिस, न्यू सिचुएशंस, अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर, इजंट इट? बट सोनी, यू मस्ट फॉल इन लव विद योर वर्क। बाय द वे, व्हिच इंस्टीट्यूट आर यू फ्रॉम? जमुना लाल बजाज। गुड। But tell me something, why financial sector? Aur bhi to sector hai? Ma'am, actually, I think finance regulates everything, so... But you know, Sony, banking sector mein kaam karna itna aasan nahi hai. You have to chase your targets. There is cutthroat competition. Aur group politics tumhare performance ko fika kar dega. So you know what I suggest? Just keep your emotions aside and work ruthlessly. Then only you can succeed. Yes, sir. Yes, sir. I'll be there in a minute. Okay, Sony. Don't worry. I'm there with you. Sure, ma'am. But don't ever mix your personal life with your professional one, all right? Thank you, ma'am. Friends, as you all know that despite the economic slowdown, the investment in the microfinance sector is still robust. Lekin is the banks jis tarah ki liquidity crisis face kar rahe hain, I think this is not the right time. But sir, agar hum investment nahi karenge to
I think the situation will bring people back to poverty again. Especially those hundreds and thousands of women who are largely dependent on it. इसका मतलब है हमें NGOs के loans रोकने होंगे या फिर उनके interest rates बढ़ाने होंगे। लेकिन smaller outfit जैसे NGOs तो high rate of interest दे नहीं पाएंगे। और अगर हम उन्हें loan देना बंद कर देते हैं, we might lose them to our competitors. Sir, if our bank could overcome this doubt, और हम NGOs को small margin loans देते रहते हैं, तो loan recovery default कम हो जाएगा। And as per our partnership model, this can be controlled. बिल्कुल सही। पिछले महीने SK Microfinance Institution ने 4 लाख नए कस्टमर ऐड किए। और उनका लोन रिकवरी स्टेटस 99.5% है सर, जो किसी भी कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक एक्चुअली दिस इज अ गुड टाइम टू रेज लेंडिंग टू एनजीओ सर। दैट्स इंप्रेसिव, वी शुड मूव इट। मीट आवर क्लाइंट्स, चेक द पेपर्स थॉरली, डोंट फॉरगेट आवर टारगेट्स एज पर आवर कैलकुलेशंस ऑन द पार्टनरशिप मॉडल। यस सर। एंड तन्वी, वी मस्ट डिलीवर। The bank has very, very high expectations from us. Surely, sir. Don't you worry. I'm not worried. I know that you are there. One more thing. You know that I'm going abroad tonight. I want you to attend the RBI governor's seminar. It's very important. Surely, sir. Bye-bye. Definitely. Bye. Haan, Nikhil. Hello, Tanvi. Meri flight fog ke karan cancel ho gayi hai. Anurag tickets arrange kar raha hai. मोस्ट प्रॉब्ली नाइट फ्लाइट की टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, कल का क्या प्रोग्राम है? अभी बताना तो बहुत मुश्किल है निखिल, यू नो हाउ वी वर्क, छुट्टी इज इम्पॉसिबल। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाय। इसे मेरे को वापस लौटा देना। ओके, चल, सी यू देन, बाय। हे निखिल, लेट्स लीव या। टिकट्स का क्या हुआ? क्यों, दो ही दिनों में बीवी की बहुत याद आ रही है? आपकी तरह नहीं है भाई साहब, अभी हमारी शादी का वक्त ही कितना हुआ है। वैसे आपको तो याद ही नहीं होगा कि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अच्छा, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 3 साल। पता ही नहीं चला 3 साल कैसे बीत गए। निखिल, एक बात कहूं, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ बेबी नाउ। You know, kids are such bliss, यार। तुझे पता है जब मैं रोज शाम को ऑफिस से घर जाके श्रिया के साथ वक्त बिताता हूँ ना, मेरा सारा स्ट्रेस, सारी थकान दूर हो जाती है यार। And I think it's high time for you guys, हाँ? तुम लोग जितना डिले करोगे तुम्हारी कॉम्प्लिकेशन भी उतनी बढ़ती जाएंगी। We are planning. जल्दी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। अच्छा, ढेर सारे टॉयज खरीदना शुरू कर दो सर। यस यस, क्यों नहीं क्यों नहीं। Hello, very happy anniversary to you. Hi mom. Thank you so much. और क्या खास प्लान बनाया तुम दोनों ने आज के लिए? क्या खास प्रोग्राम मॉम? मॉम,
पिक्चर्स में कुछ होता है। अच्छा, हम लोगों का गुलदस्ता मिला? नहीं मॉम, पहुंच जाएगा। अच्छा लो, अपने डैड से बात करो। तन्वी। हेलो। हाय डैड। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वेयर इज निखिल? इज ही अप एंड अबाउट और नॉट? वो तो लेट नाइट दिल्ली से लौटे हैं। मैं देखती हूं। निखिल! अरे नहीं नहीं, उसे उठाओ मत अभी, सोने दो। ओके पापा, मैं रात में आपसे बात करवाती हूँ। ना मिना हरी। ओके बाय, टेक केयर। निखिल, निखिल, हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू लव। सुनो, आई एम लीविंग फॉर ऑफिस। तुम उठ जाओगे ना, या मैं अलार्म लगा दूं? नहीं, डोंट वरी, आई विल वेक अप। आर यू श्योर? या। ओके, ऑलराइट, आई विल सी यू फॉर डिनर। बाय। बाय। व्हाई इंडियन बैंकिंग सिस्टम सर्वाइव्ड द ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस? It's because we had a very limited exposure to subprime mortgage assets. But the same cannot be said about Indian economy, because we are much more integrated into the world economy today than 10 years ago. You can call it a bitter fruit of globalization. Now, the banking community has to ensure a healthy flow of credit to the productive sectors of the economy. So on that note, I wish you all the very best, ladies and gentlemen. Motto of every company in every sector is to grow. I mean, same with your banking sector. Today's consumers' expectations have really gone high. Yeah. They've grown really high. In a competitive climate like that, it's very important to retain the consumer, as the fear of losing them is always there. And the cost must be kept down. Okay, but what's the solution? Our BPO company has helped financial service clients like banks, credit card issuers to meet the challenges. Have a look at the consumer profile. Yeah. Excuse me? Mm-hmm. David, this seems interesting. Yeah. So how much do you think we can save? About 30-40% of the cost. Good evening, ma'am. May I get you something? No, I'm waiting for someone. So I guess they'll be all right. So, then let's go ahead with it. Okay. Okay? Good night. Bye. Sure. Good night. Good night. I'm so sorry, sweetheart. It's okay. Tanvi. Hmm? What's happening to our life? हमारी शादी की तीसरी सालगिरह है और हम ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। लगता है जैसे बहुत सारी खुशियां हमारे हाथों से निकलती जा रही है। Why? We still have the evening. Let's make the most of it. You're right. Let's go. फीकी सी लगे जिंदगी तेरे प्यार का नमक जो न हो, फीकी फीकी सी लगे जिंदगी तेरे प्यार का नमक जो न हो। मुश्किल है यारा, मुश्किल है यारा, अब तो जीना तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। सुनी सुनी से, सुनी सुनी से लगे हर गली तेरे चेहरे की झलक जो ना हो। मुश्किल है यारा,
मुश्किल है यार अब तो जीना, तेरे बिना 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 तेरे बिना। I love you. Oh, I love you, Danny. Yay! Come on! मेरी नजर में मेरी खबर में शामों सहर में तू बसी, तुझ बिन अंधेरी रातें हैं मेरी, तू है मेरी चांदनी। बुझी बुझी सी, बुझी बुझी सी लगे चांदनी, तेरी आंखों की चमक जो ना हो मुश्किल है यारा अब तो जीना, तेरे बिना 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 तेरे बिना। निखिल, निखिल, निखिल उठो, ऑफिस जाना है, उठो। क्यों जगाया? कितना रोमांटिक सपना था। रोमांटिक सपना देखना बाद में, अभी ऑफिस के लिए तैयार होना है, उठो, उठो। सोनी, झारखंड से कुछ पेपर्स आने वाले थे, वो आ गए? हाँ मैम आ गए, पर बंधन के कुछ पार्टनर्स के अग्रीमेंट पेपर्स इनकम्प्लीट। सो सेंड देम बैक टू बंधन एंड टॉक टू मिस्टर सोरेन, और वो बाकी पार्टनर्स की लिस्ट मुझे बनाकर दे देना। हाँ यस, वन मिनट। यस सर, थैंक यू सर, बट व्हाई? Sir, I am Assistant Vice President of the bank. Wow. I can't believe it, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Congratulations, ma'am. तन्वी, यू आर सो लकी, इन नो टाइम तू कहां से कहां पहुंच गई। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन यार। हाँ तो हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और क्या। तन्वी, तुम कब से कंजूस हो गई? टुडे इज अ गर्ल्स नाइट आउट। डोंट बी इंपेशेंट बाबा, एवरीथिंग विल हैपन इन ड्यू टाइम। एक्चुअली आज क्या हुआ, निखिल के साथ बात ही नहीं हो पाई, और जब मैं मैं निखिल को जब मैं ऑफिस में फोन। आर यू ओके?
वो फोन नहीं उठाया. What's wrong, तन्वी? हाँ? What's wrong? Are you okay? कुछ नहीं. जैसे चक्कर सा आ गया. Want something? Have some water? नहीं, it's okay. हाँ? चल, चल, चल. It's okay. पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाती रहती है. मिसेस कपूर के एनर्जी लेवल्स देखो. शी इज स्टिल स्वीट 16. हां, आई स्वेयर शी इज सो ग्रेसफुल. इस एज में भी फैंटास्टिक. हे 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 हे, तन्वी टेक इट इजी. चढ़ गई तो रिलैक्स निकी, कुछ भी नहीं होगा. मेरे सर चढ़कर सिर्फ एक ही कॉकटेल बोलता है. जरा हम भी तो सुने. पावर, position and wealth, that is the best cocktail for me, you know. Hey, hi. Welcome home. Aaj itni jaldi chale aaye? Kaam jaldi nipat gaya. Wo kya ek meeting thi na, aaj cancel ho gayi. Kal phir jana padega. तुम कहाँ थी? वही, आज हमारी गर्ल्स नाइट आउट थी. यूजुअल, सेम यूजुअल प्लेस. हालत देखो ना. कैसी रही? आई एम सो टायर्ड निखिल, कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट, यू नो. टेक इट इजी डियर, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा एग्जर्ट करती हो. हे, क्या हुआ तन्वी? पानी पियोगी? नहीं, पानी नहीं पियूंगी. यू नो व्हाट? हाँ. दो तीन दिन से आई एम फीलिंग वेरी डिजी और समटाइम्स वेरी प्यूकी. तन्वी, कितने पैग हुए तुम्हारे गर्ल्स नाइट आउट में? हाँ, कुछ खाया भी या सिर्फ बातें? अरे निखिल, ऐसी बात नहीं है. शायद निकी ठीक कह रही थी. I should go and see my gynec, you know. एक टेस्ट करवाने में क्या है? टेस्ट? Why? You're not sick. Oh, gynec. Oh, okay, test. You mean pregnancy? Oh, निखिल, तुम भी ना कभी कभी ऐसा करते हो. Anyway, एक खुश खबरी सुनानी है. मतलब अभी तक वो टेस्ट नहीं कराया ना? You man, तुम्हारा दिमाग सिर्फ वन ट्रैक होता है. Guess what? What? Hmm. ये क्या है? अरे बाबा, मुझे आज प्रमोशन मिला है. Wow. Incentive award, what not? Really, Tanvi, congratulations. हेलो निखिल, गेस व्हाट? व्हाट? मेरे पास एक एनवेलप है जिसमें कुछ लिखा है. डोंट टेल मी आज भी तुम्हें प्रमोशन मिला है. ओफो, तुम हमेशा ऑफिस के बारे में क्यों सोचते हो? ऑफिस को छोड़ के और कुछ सोचो ना. ओके ओके, लेट मी ट्राई. प्लीज, फास्ट फास्ट. उस एनवेलप में एक रिपोर्ट है एंड दैट रिपोर्ट सेज कि हम दोनों को प्रमोशन मिलने वाला है. बहुत ऑफ़ क्या प्रमोशन? व्हाट डू यू मीन? माय डियर वाइफ, अगर आप मां बनेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा ना. आई एम गोना बी अ प्राउड फादर. एम आई राइट मैडम? अच्छा, माय गॉड, व्हाट अ गेस. एब्सोल्युटली राइट, 100%. ए निखिल, क्या बात है, जल्दी में? मीना हरी मैन, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, कैन यू बिलीव इट? कांग्रेट्स. क्या है? बाय बाय, आई कॉल यू लेटर. ओपन. वाओ,
It's so nice. Wow. It's so beautiful, Nikhil. Hello, Dad. Hi. Hi. Dad, there's one good news. Good news? Yeah, I'm going to be a father. Oh, Nikhil, congratulations. I'm going to be a dad. मध्य प्रदेश की जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट तुमने सबमिट की थी, डू यू नो हाउ मच वी हैव अचीव्ड? नो सर. वी हैव अचीव्ड 40% मोर देन आर प्रोजेक्शन. आई हैव एन अप्रेजल नोट फ्रॉम आर ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट. थैंक यू. ही इज ऑल प्रेज फॉर यू. तन्वी, इफ यू कीप अप द सेम पेस ऑफ वर्क, यू कैन एक्सपेक्ट अनदर वेरी बिग जंप सून, मे बी इन जस्ट अनदर ईयर, जस्ट वन ईयर. Hello. Yes. Okay. Come on, girl. Where are you? Nothing, sir. Hello, Tanvi. Yeah. Any problem? Doctor, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी. Yeah. Pregnancy के दौरान मुझे कितनी छुट्टी लेनी चाहिए? मतलब max to max. देखो, अब सब कुछ तुम्हारे सेहत पर डिपेंड करता है तन्वी. You're in the 12th week now. Worst come worst, it should be 6 to 7 months. Oh, okay. बाद में बात करेंगे. Okay? Yeah. Bye. कॉफी पियोगे क्या? नहीं. बहुत काम चल रहा है? हाँ, एक प्रोजेक्ट है, कल सबमिट करना है. इट्स अर्जेंट. निखिल, मेरा भी एक प्रॉब्लम है. इट्स अर्जेंट. मुझे तुमसे डिस्कस करना था. प्रॉब्लम्स? यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स. ठीक है, ओके, बाद में बात करते हैं. हे स्वीटर, बताओ ना, क्या बात है? अपने करियर के बारे में. करियर तो अच्छा ही चल रहा है तुम्हारा. लास्ट वीक यू गॉट अ प्रमोशन. अब और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ निखिल, अगर मैं अभी माँ बनने की सोच रही हूँ तो आई मीन इफ आई वॉन्ट टू हैव द बेबी नाउ देन माय करियर ग्राफ डाउन हो सकता है. I'm very confused. I don't know. मुझे तुम्हारी राय चाहिए. निखिल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ. हाँ, क्या कहा तुमने? फिर से कहो. रहने दो. देखो तन्वी, कुछ दिनों के लिए अपनी सारी बातें अपने पास रखो प्लीज. मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है. मैं कल सिंगापुर जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे सारी बातें डिस्कस करूंगा. आई प्रॉमिस. पर निखिल. तन्वी, यू नो आई हैव अ डेडलाइन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज. तन्वी, फ्रैंकली स्पीकिंग, तुमने हमारे बैंक के लिए जो प्लान्स तैयार किए हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए बैंक तुम्हारे एब्सेंस में एक दूसरा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा.
And who knows? That executive might be more efficient than you are. Dekho, you get promotions as long as you're performing. You have every right to raise a family. Par kahin aisa na ho ki tumhari ye khwahish tumhare promising career ko le dube. I mean, the decision is yours. I just want you to understand the implications of having a baby and of being the vice president of the bank. You deserve both. But both cannot be achieved at the same time. Right? My dear girl, क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी मैं अपने बच्चों को 10 दिन तक भी नहीं देख पाता हूं? You know how business travel is. और मैं ये भी जानता हूं कि या तो मैं उन्हें खोखला समय दे सकता हूं या फिर ठोस पैसा. That's the way it is. Anyway, the sky is the limit. तुम ऊंची उड़ान भरोगी या फिर अपने मुंह के बल गिरोगी, ये तुम्हें तय करना है. दरअसल हम सब अपनी एम्बिशन के बोझ तले दबे हुए हैं, इसीलिए तेरे बॉस ने कह दिया कि या तो माँ बन जाओ या करियर बनाओ. तू मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं एनी डे माँ बनना प्रेफर करती. अच्छा निकी, तुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारा करियर और भी अच्छा होता तो हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकते हैं? तन्वी, ये और अच्छे की दौड़ ना कभी खत्म नहीं होती. लेकिन निकी, बॉस भी तो कुछ गलत नहीं कह रहे. मेरा करियर ग्राफ आज तक ऊपर की ओर ही गया है. देख, प्रेगनेंसी को पोस्टपोन भी तो कर सकते हैं ना. ये 21st century है माय फ्रेंड. जब तक तू नहीं चाहेगी, कोई तुझ पर कुछ भी नहीं थोप सकता, मदरहुड भी नहीं. लेकिन एक बात याद रखना तन्वी, ये बच्चा अकेला तेरा नहीं है. जितना तेरा है उतना ही निखिल का है. उसे बिना बताए कुछ भी मत करना. One second. Okay. हेलो. हाँ डॉक्टर नीलिमा, तन्वी हियर. अच्छा हुआ तन्वी तुमने फोन किया. तुम्हारे मंथली चेकअप के रिपोर्ट्स आ गए हैं. यू कैन सफर फ्रॉम थ्रेटन्ड अबॉर्शन. और हाँ, तुम्हारा बीपी काफी हाई है. आई एम रियली रियली सॉरी गर्ल. यू नीड टू टेक बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट. हेलो हेलो तन्वी, हेलो, आर यू लिसनिंग? कैन यू हियर मी तन्वी? हेलो. India has a huge pool of BPO companies. Why do you think we should choose you? Two reasons. Number one, our long experience of service to Indian banks. Our experts will help you to understand the mentality of Indian consumers. Number two, high quality services at competitive prices. O khan tarifa how hai? O mun khai ka time tarifa. So bas sir. Kaise? How da? And how da? The deal is done. Thank you. Thank you very much. Thank you. You know that project? Oh, excuse me. Hi, yeah, I'm in a meeting right now. I'll talk to you later. सुनो. हाँ सुनो. आज मैं मुंबई लौट नहीं पाऊँगा, so don't wait for me. सुनो तो सही. Bye. It's okay. Okay.
देखो तन्वी, कुछ दिनों के लिए अपनी सारी बातें अपने पास रखो प्लीज। You're in the 12th week now. Worst come worst, it should be 6 to 7 months. Tanvi, if you keep up the same pace of work, you can expect another very big jump soon. Maybe in just another year. ये बच्चा अकेला तेरा नहीं है। जितना तेरा है, उतना ही निखिल का है। उसे बिना बताए कुछ भी मत करना। Hey Tanvi, you know what? आज मेरा प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट हो गया। Wow! Let's go out for dinner. बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम ही चले जाओ। मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड नहीं है? मगर क्यों? Why? What happened? तुम्हारे तबीयत तो ठीक है ना बाबा? अरे, हुआ क्या? हे बेबी, कुछ तो कहो। तन्वी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती? कम ऑन, स्पीक अप यार। ओ, कोई कुछ पूछे तो जवाब देना पड़ता है। बात बहुत सिंपल है। सिंपल? मैं बीमार लग रही हूं क्योंकि क्योंकि क्या? आज मैं वो अबॉर्शन करवा के आई हूँ। क्या क्या करवा के आई हो? अबॉर्शन? लेकिन क्यों? व्हाई? मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? उस रात मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, but you had no time. तो तुम मेरा वेट नहीं कर सकती थी? नहीं, मेरे पास भी वक्त नहीं था निकल, बिल्कुल नहीं। क्यों तन्वी, क्यों? How could you? How could I what? How could you do this to me? वो बच्चा जितना तुम्हारा था, उतना मेरा भी था। You're my wife, God damn it! Oh, you still remember that I am your wife? मैं मजबूर थी। मैं अभी नहीं जानता कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी, पर तुम्हारा दिल कैसे माना तन्वी? दिल की बात ना ही करो तो अच्छा है। मेरी मजबूरी, मेरा करियर। करियर के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? गॉड डैमन! What have you done, तन्वी? खुद ही सपने दिखाती हो और खुद ही उसे चकनाचूर भी करती हो। You women. थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है। खिलते हैं चेहरे, हंसती है खिलते हैं चेहरे, हंसती है आंखें, फिर भी नमी रह जाए।
जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है। इंसान को सपने कभी नहीं देखने चाहिए। सपने इस शीशे की तरह होते हैं, अगर गिर जाए तो चूर चूर हो जाते हैं। अपने आप को संभाल यार, जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं। करियर के नाम पे ऐसी दीवानी हो गई मेरी बीवी कि अबॉर्शन करा लिया। उसे पूछा तक नहीं क्यों। मेरे डैड को भी मैंने बता दिया। अब क्या कहूं मैं उनसे, क्या बताऊं उनको, यही कि मेरी बीवी के लिए बच्चे से ज्यादा करियर इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चे से ज्यादा करियर इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे, कभी माँ। दिल छोटा मत कर यार, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हल हल निकाल करी तो मेरी बीवी ने मेरा हाल बेहाल कर दिया है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, forget it। क्यों तन्वी, ऐसा क्या हुआ? इतने दिनों के बाद भगवान ने खुशी दी और तूने? मैं जानती थी आप लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसा खोना पड़ता जिसे आप बहुत चाहते हो, तो आप क्या करते हैं? मैं कितनी मेहनत करके अपने करियर को इस पोजीशन पे लाई, एंड यू नो एट दिस पॉइंट बच्चा होने से करियर करियर करियर। तुम एक औरत हो तन्वी, और एक औरत के लिए उसका परिवार ही सबसे पहले आता है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि औरत हमेशा कुर्बानी देगी? कुर्बानी? तू इसे कुर्बानी कह रही है? माँ बनने के लिए ये कुर्बानी कुर्बानी नहीं होती। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें बच्चा नसीब ही नहीं होता, और एक तू है कि छी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अब चाहे कुछ भी कह लो माँ। सुन लिया आपने, सुन लिया आपने बेटी की बात? शांति प्लीज, अब ये सब कहने से कुछ नहीं बदलेगा, जो होना था सो हो गया। यानी आप इसका साथ दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है? अरे तो क्या करें, हाँ क्या करें हम? आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, उनकी सोच उनकी प्लानिंग हमारे जमाने से अलग है, इतना तो शायद तुम समझ ही सकते हो। तू देख लेना तन्वी, इस करियर के चक्कर में मां बनने के लिए तेरे पास कभी भी वक्त नहीं होगा। खुशियों के लम्हे आते हैं मिलने, मिल के निकल जाते हैं कहीं। आँखों में पल के जज्बों को छल के सपने पिघल जाते हैं कहीं।
शीशे पे दिल के वक्त के गम की, शीशे पे दिल के वक्त के गम की गर्द जमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है। रातों का ढलना दिन का निकलना लेके उम्मीद आए सवेरा, सेरा उड़ता जो मन है मिलता गगन है, उड़ता जो मन है मिलता गगन है, लेकिन जमीन रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है। Dear Nikhil, I tried to call you several times today to sort out my dilemma between my career and the baby. What do I choose, Nikhil? I think at this stage, if I go for the baby, there will be a break in my career. Tell me, Nikhil, what do I do if we decide to go for abortion? Doctor says it must be tomorrow. She did write to me. But still, अगर मैं उसके मेल का जवाब नहीं दे पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे पूछे बिना एबॉर्शन करवा ले। तो अब क्या करेगा, छोड़ देगा तन्वी को? बस इतना ही प्यार करता है? तू गलत काम को जस्टिफाई करने की कोशिश मत कर प्लीज। मैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मगर एक बात जरूर है कि अगर भगवान ने तन्वी को औरत बनाया है इसका यह मतलब नहीं है कि तू उस पर अपनी हर मर्जी थोपे। जरा ठंडे दिमाग से सोच, ये समझदारी से काम लेने का वक्त है। रिश्तों को बिखरने मत दे, तुम दोनों साथ रहोगे तो ही तुम्हारी फैमिली बनेगी, वरना नहीं। लेकिन देख, टेक योर टाइम एंड थिंक, ट्राई एंड स्टेप इनटू तन्वी शूज। या बस मुझे बस इतना ही कहना है। Thank you.
यू नो गाइज, इट्स ग्रेट टू बी एम्बिशियस, पर उसके लिए जीवन की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करना, आई डोंट थिंक इट्स राइट. और इसी तरह चलता रहा फिर तो तुम दोनों पेरेंट्स बनने से रहे. ऐसा क्यों कह रही है? मुझे एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन जाने दे, उसके बाद देखना. बोलो ना निखिल. इस गलतफहमी में मत रहना तन्वी. देयर विल बी नो एंड टू दिस. एंड माइंड यू, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. अगर ऐसा ही हुआ तो हमें एक बात एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी, दैट वी कैन नेवर हैव अ बेबी ऑफ आवर ओन. क्यों तन्वी, कैन वी लिव विदाउट अ बेबी? आई मीन, अगर तुम्हें मंजूर है तो देन इट्स ओके बाय मी. हे निखिल, डोंट गेट सो इमोशनल यार, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और भी रास्ते हैं. तुम चाहो तो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, और इसी बहाने देश का काम भी हो जाएगा. क्या कह रही है तू? निखिल के पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे आर सो ओल्ड फैशन्ड. और हम भी. कोई तो रास्ता होगा. आई हैव एन आइडिया. आई मीन, अगर तुम दोनों चाहो तो. Why don't you go for a surrogate mother? What? क्यों? ये तो आज का burning issue है. जो incapable है, they go for it. और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, जो दो नावों पर सवार होना चाहते हैं, this is the only way out for you. In the past 1 year, our clinic has very successfully carried out our commitment towards providing surrogate mothers to women who cannot bear their own children. And in this regard, I would like to thank my staff and these surrogate mothers, without whom we could have never achieved our goal. Mere secretary, Mr. Srivastav, ke paas sare successful cases ki details hai. अगर आप लोग चाहें तो मिस्टर श्रीवास्तव से कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ इफ आई मे रिक्वेस्ट मिस्टर स्मिथ टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर. मिस्टर स्मिथ. थैंक्स डॉक्टर. एक्चुअली वी हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ हैविंग आवर ओन चाइल्ड, बट दीज डॉक्टर्स हैव मेड आवर ड्रीम कम ट्रू. डू यू एनीथिंग टू ऐड? यस, वी वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर पटेल एंड हिज क्लिनिक फॉर ऑल दिस. थैंक यू. थैंक यू. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस. Yeah. Dr. Patel, what is the success rate? You see, if the lady is 30 and below 30, I would say 40 to 60%. Dr. Patel, suna hai ki pregnancy ke jhamelon ko avoid karne ke liye kuch log to surrogate mothers hire karte hain. What do you say about it? Maine aisa kuch nahi suna hai. Do you agree that in the name of serving incapable mothers, you have started making a profitable business? See, we don't really have time to think what people think about us. So, ladies and gentlemen, thank you very much. This is enough for the day. Thank you so much. Hey, come, come. Coffee bana raha hu. Piyega? Yeah. Anjali kahan hai? यार वो श्रिया को लेके स्विमिंग क्लासेस के लिए गई है. Well done. You heard the come on there from Federer. Doesn't like having these tight games on the serve. Full square now. Pat Perez maintained. राजू बंधु इसको दिखा रहे. Come back now to checkmate security agencies. चलो मेरे साथ. ऑपरेशन जो कर. सलमान अरे काय सलमान है. So after information technology, business process outsourcing, India is not only making its dent in medical tourism, but also becoming a hot destination for cheaply and efficiently
providing the services of surrogate mothers. There are a lot of women abroad who would like to use services of surrogate mothers to be able to, you know, pursue their own career goals. Roj ad aati hai, a needed home on hire, adequate compensation will be given. It would be wrong to say that it is purely done. क्या सोच रहे हैं? तेरा क्या ख्याल है? सरोगेसी? Seems to be a good option. क्यों? देखो भाई शीला, तुमने मिस्टर स्मिथ के बच्चे को जन्म देकर सिर्फ उनकी नहीं अपनी भी मदद की है, ठीक है? करनी चाहिए। तुम्हें मेरे हिसाब से तुम्हारे सर्विसेज के 1,00,000 रुपए बनते। पर सर जी, आपने तो 2,00,000 रुपए की बात की थी ना? हाँ भाई, मैंने कहा था, मैंने खुद कहा था 2,00,000। लेकिन देखो क्या है, मेडिसिन का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी देखो, अपनी जेब से तो हम देंगे नहीं, सीधी सी बात, हिसाब है, देख लो, देखो। हाँ, लेकिन सर जी, ये बात तो आपने पहले नहीं कही थी। अंदर भेज देना। हाँ, और डॉक्टर पटेल तो कह रहे थे कि ये सब काम आप समाज सेवा के रूप में करते हैं। समाज सेवा? हाँ। देखो पुरानी कहावत है, लेकिन फिर से कहूंगा, खाली पेट भजन नहीं होता है, समझ गए? इसलिए अच्छा ठीक है, चलो अगली बार कुछ ज्यादा पैसे दे देंगे, खुश? चलो। तन्वी, मैंने बहुत सोचा। पहली बार ऑफिस का काम छोड़कर मैंने अपने बारे में सोचा। मुझे लगता है कि हमें निकी का सजेशन मान लेना चाहिए। सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन? अगर तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी तो क्या बच्चा आसमान से टपकेगा? बात सिंपल है माँ, मेरा और निखिल का बच्चा किसी और की कोख में होगा। I mean, she'll just bear our baby. माँ, बात इतनी सी तो है। आप तो समझ सकती है ना? It happens. बस तन्वी, तेरी तो मत ही मारी गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? निखिल का बच्चा किसी और की कोक में? मॉम, बात ये है कि we are just hiring a womb for a baby. That's it. क्या? लेकिन निखिल, it's not as easy as you think. मेडिकल, सोशल, लीगल, बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। और तन्वी, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे नेबर्स, कोलीग्स, विदाउट एनी फिजिकल चेंज बच्चा हो जाएगा? लोगों से मैं कह दूंगी कि मैं आई एम इनकेपेबल। तन्वी! यस Yes, we have decided. Please, Ma. Please, Dad. आप लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सब आ गए। आइए आइए। Come in, Mr. Singh. Good morning, Doctor. Good morning. Please be seated. Thank you. Doctor Goenka ने मुझे आपके बेटी के बारे में सब कुछ बताया। जी। We will definitely help you.
पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि सरोगेट मदर आप लोग के साथ आपके घर पर रहे, ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया को ये बात पता चले। यू नो डॉक्टर, सोशल स्टिग्मा, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस, आई डू अंडरस्टैंड, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। जस्ट बिकॉज आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, I'll try my best. Mr. Srivastav? जी सर। Mr. Srivastav will get in touch with you. Yeah, I will take care. We'll take your leave, doctor. Okay. Thank you so much. Thank you so very much, doctor. Thank you. Oh. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Srivastav? जी। Yes, sir. Mr. Singh के लिए हमारे पास कोई candidate है क्या? अभी तो नहीं है सर। आप चिंता ना करें, अपना एजेंट है ना गांव में, उसको फोन करता हूँ, पता करता हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही देगा कम पकड़। ठीक है, आप उसे अभी फोन करिए और जो भी होता मुझे अभी बताइए। ठीक है, बताता हूँ सर। डिस्टर्ब हो गए क्या ना, कुछ काम धंधे के बाद संगीत सुनते रहते हैं। हाँ बोलिए आप। अरे मैं कह रहा हूँ शुक्ला जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है। हाँ कृपा तो है। अच्छा शुक्ला जी, एक काम है बहुत जरूरी। हाँ बोलिए। एक औरत चाहिए, वो भी फौरन, तुरंत। तुरंत तुरंत तो डिफिकल्ट हो जाएगा श्रीवास्तव जी, तुरंत का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, समझ रहे ना आप? क्या चार्ज ज्यादा लगेगा भाई, काहे क्यों? मतलब आप कहा बताएं, जैसे गवर्नमेंट तत्काल रिजर्वेशन का एक्स्ट्रा चार्ज लेती है ना, वैसे इसका भी है, आप समझ रहे हैं? आप तो रहना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से औरत का इंतजाम करो, तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कमीशन हमको मिल जाएगा तो समझ लो आपका काम ही हो जाएगा। ओके, गुड आफ्टरनून। सरला कमला पिमला लीला तो गई है शहर, अब कहां से तुरंत महिला कहां से इंतजाम करें, तुरंत पैदा भी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन करना पड़ेगा, माल मिल रहा है। मुंह का देख रहा पकड़। क्या हुआ? क्या हुआ? राम राम परेश जी। हाँ तेरी की। वही ढाक के तीन पात। कौन काम आ सकती है मेरे? इनमें से एक के बारे में सोचना पड़ेगा, इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा। शीला से पूछता हूँ, शीला इन लोगों के बीच में रहती है, इन लोगों के विचारों को जानती है। कौन? अरे नमस्कार। क्या हो रहा है? सोच रहा हूँ। क्या क्या सोच रहे हैं? यही कि अगर बारिश का पानी कम हुआ तो गांव में पानी की समस्या हो जाएगी और कुएं के पानी को बचा के रखना पड़ेगा। कोई हल निकला? कहां से? भेजे से। किसके? मेरे नहीं, तुम्हारे भेजे से। अभी तक तो नहीं निकला, लेकिन मैं देख रहा हूं कुएं का पानी बहुत नीचे नीचे जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो।
कि कुएं के पानी को ढूंढते ढूंढते आदमी अपने नियत के साथ भी नीचे चला जाए। वो कैसे? यही ढूंढते ढूंढते। मैं चलूं, बहुत काम है, बहुत काम है। आपको कुछ काम नहीं है? गौरी, अरे वो मोहन घर पर है? मोहन, अरे मोहन, अरे कहाँ छुपे हो मोहन प्यारे? अरे राम राम परेश जी, राम राम। राम सीता तुम बाद में करना, पहले ये बता कि मुझसे कोई दुश्मनी है तेरी? कैसी बातें कर रहे सेठ जी आप? तो फिर तू मेरे, अरे मेरे पैसे कब देगा तू? अरे थोड़ी थोड़ी मोहलत दे दीजिए परेश जी, जैसे मेरा माल बिक जाएगा ना, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अच्छा, तो शुभ मुहूर्त कब आएगा? आप बैठिए ना। अरे मेरी बेटी के ससुराल वाले बारात लेकर आधे रास्ते पहुंच भी गए। देख रघु, पानी। अरे पानी छोड़, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। मेरे पैसे वापस कर दे। अच्छा देख, तेरे घर के चक्कर लगाते लगाते मेरे चप्पल घिस गए, अब तो दे दे। आप चिंता ना करें परेश जी, आपकी बेटी की शादी से पहले आपके पूरे पैसे चुका देंगे हम। नहीं लौटाए तो? जी बोला ना, दे देंगे। ठीक है ठीक है। ए गौरी, ये देख, तेरे सामने इसने कहा है मेरी बेटी की शादी के पहले मेरे पैसे वापस कर देगा। और सुन, अगर नहीं किया तो मैं तेरा ये सब कुछ, ये घर मैं नीलाम कर दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं। बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और ये बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। अजी सुनते हो? इधर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और बाल बच्चा भूखो मरे। तू क्या समझती है, हमें इनकी फिक्र नहीं है का? तो फिर पहले पेट भरने के जुगाड़ करो, नहीं तो नहीं तो लो, लो गला दबा के खत्म कर दो, मार डालो इसको। अरे का, पगला गई है का तू? माल बनाने तक का तो पैसा है नहीं, तो पैसा लाए तो कहां से लाए? चोरी करके लाए? हाँ हाँ, चोरी करो, डाका डालो, हम नहीं जानते। मर दो तुम, बीवी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी करो। अजी हम तो कहते हैं कि दूसरा कुछ रास्ता सोचो, ये बाप दादा के धंधे को लात मारो। का, का? बाप दादा के धंधे को लात मारने को कहा? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाथ मत लगाइए। बाप दादा के धंधे को तू गाली देती है? हाथ मत लगाइए आप। मेरे पुरखों को गाली देती है? पुरखों को, पुरखों को, पुरखों को गाली देती है? हाथ छोड़िए। हमरे दादा, हमरे दादा को गाली देती है? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मार डालेंगे जान से तुझे। छोड़िए। क्या छोड़ दो हमें? तू छोड़ मोहन हमें। हम आज इसको इसको मार डालेंगे हम। मार डालिए, मार डालिए, मार डालेंगे हम तुझे। ये क्या पागलों की तरह लड़ रहे तुम लोग? जानो जैसे लड़ते हो, शर्म नहीं आती? बच्चे क्या सोचेंगे? बात नहीं समझती, धंधा पानी बंद, फिर भी बात नहीं समझती, बच्चों पर गुस्सा होती। सोच रहे हैं जी?
सोच कर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बाप दादाओं ने जो किया सिखाया उससे अब पेट नहीं भरेगा। तुम्हें मालूम है सारे गांव का यही हाल है। गगन के यहां तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। जानवरों की तरह झगड़ रहे थे दोनों मियां बीवी। भूख लाचारी मजबूरी क्या क्या करवाती है ना इंसान से। कौन जाने कल अपना भी यही हाल हो। शुभ शुभ बोलो जी। भगवान जो करेगा ना भला करेगा। तुमने ठाकुर के लिए मूर्ति बनाई थी वो तो पूरी हो गई है। जाके दे आओ ना कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। अब अबे जोर से का रे मूर्ति कैसी बनी है। हमारे बेडरूम की शोभा बढ़ाएगी ना। मालिक अगर आप खुद ही देख लेते तो। अगर मूर्ति हमारी पसंद की बनी होगी तुझे तो हम खुश कर देंगे। दिखा अभी दिखा। अभी आया मालिक। रघु अभी आया मालिक। साला फनकार की औलाद ये मूर्ति बनी है। अबे लड़की का बदन कपड़े से ढक कर ये कौन सी कलाकारी की रे। शर्म आती है ना नंगी मूर्ति बनाने में। साले मूर्ति बनाने चले। देख देख इसे कहते हैं कलाकारी। अगर इस तरह का नमूना बना सकता है तो बना के लाना नहीं तो अपना सकल हमें मत दिखाना। अबे नीचे क्या देख रहा है इधर देख। पकड़ साला।
खिला दे शाखों पर पेड़ों को फल दे मालिक, फूल खिला दे शाखों पर पेड़ों को फल दे मालिक, धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। वक्त बड़ा दुखदायक है, पापी है संसार बहुत, वक्त बड़ा दुखदायक है, पापी है संसार बहुत, निर्धन को धनवान बना, दुर्बल को बल दे मालिक। बैलों को एक गठरी घास, इंसानों को दो रोटी, बैलों को एक गठरी घास, इंसानों को दो रोटी, खेतों को भर गेहूं से, कांधों को हल दे मालिक। हाथ सभी के काले हैं, नजरें सबकी पीली हैं, हाथ सभी के काले हैं, नजरें सबकी पीली हैं, सीना ढांप दुपट्टे से, सर को आंचल दे मालिक। मैं अपने विचार तुम पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन तुम दोनों एक बार फिर से ये सोच लो कि जिस खुशी की तुम्हें तलाश है, क्या वाकई तुम्हें मिल जाएगी? किसकी चूड़ियां हैं? गौरी की जी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं इन्हें बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दूं? जी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं इतना निकम्मा नहीं हूं कि इन्हें बेचकर अपनी बेटी की शादी करूं। अरे, बेटी की शादी नहीं होती तो तुम लोगों को तंग नहीं करता। मैं तुम लोगों का दुख दर्द समझता हूं। ले इसे, ले जा वापस, ले जा, चल भाग। नहीं ढक के तीन पार, मुझे ही बेवकूफ समझ रखा है ना? आप हमें गलत मत समझेगा परेश जी। क्या कर रहे हैं? ये अच्छी कला की कोई कदर ही नहीं करता है आजकल, और ये घटिया
अश्लील और बिकाऊ सामान बनाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता अब, बस इसीलिए थोड़ा परेशान थे। मोहन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। धीरज, धीरज रखते रखते तो यह हाल हो गया हमारा। पर हाँ, एक बात हम अच्छी तरह से जान गए हैं परेश जी, कि इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। तू चिंता मत कर, है ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। रास्ता निकाल लिया है हमने, अब आज के बाद अपने बाप दादा के पुश्तैनी काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे कभी। मिट्टी का काम करते करते खुद मिट्टी में मिल गए हैं। कसम है हमें, आज के बाद जो मिट्टी का कोई भी बर्तन बेचा या बनाया तो काम ढूंढेंगे, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बीवी बच्चों के साथ दुनिया छोड़ देंगे। मोहन, एक बार शुक्ला से बात करके देख। हाँ, उसकी बहुत पहचान है शहर में, बड़े बड़े लोगों से। अरे, अपने शीला को उसी ने तो भेजा था, बहुत पैसे कमा के आई है, अब तो उसके पांव नहीं टिकते जमीन पर। देख, शायद तेरी भी बात बन जाए और इस परेश लाल से छुट्टी मिल जाए। ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बोलो मोहन, क्या बात? शुक्ला जी,
चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं हम, कोई भी काम दिलवाइए ना। काम? जी काम तो बहुत है मोहन, काम बहुत है, लेकिन मर्दों के लिए काम नहीं है। क्या? औरतों के लिए काम है। क्या मजाक कर रहे हैं शुक्ला जी? आप तो सभी को काम दिलवाते रहते हैं। देखिए हमें रुपए पैसों की बहुत जरूरत है। रुपए पैसों की चिंता मत करो, पैसा तो बहुत है इसमें, लेकिन इसमें तेरी औरत को काम करना पड़ेगा। हमारी औरत को काम करना पड़ेगा? ऐसा का काम है? सतुआ, ए सतुआ, सतुआ। जी मालिक। आ जल्दी आ। सतुआ जरा मोहन को काम समझा दे। सतुआ समझा देगा, बड़ा मास्टर है समझाने में। जी मेहरबानी। चिंता मत करो। काम हेलो शुक्ला। क्या है शुक्ला जी, आप ना, आपने क्या कहा था फटाफट करेंगे हैं? तत्काल इंतजार कर रहा हूँ, तलवार लटकी मेरी गर्दन पे भैया, जल्दी करो। श्रीवास्तव जी आप निश्चिंत हो जाइए। मानो काम हो गया। हो गया? अरे तो भैया भेजो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? मुहूर्त का? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी भाषा में तत्काल फटाफट भेजो भाई। हाँ ठीक है हाँ ठीक है, ये हो गया। बढ़िया तस्वीर ले लूं। खराब है तुम्हारा, चलो चलो बाहर। ए शुक्ला जी, अरे इतना घटिया काम करने के लिए बोल रहे हो तुम हमको? का वक्का बात का है? बात का है, का समझते का तुम हमको? हमारी बीवी किसी और का बच्चा अपनी कोख में पालेगी? अरे सतुआ का समझाया तूने मोहन को? बस मदद मांगने आए थे तुमसे, भीख नहीं मांग रहे थे, और अपनी बीवी का सौदा करने नहीं आए थे आपसे। और 2 लाख क्या, 50 लाख भी दोगे तो भी अपनी बीवी को बेचेंगे नहीं हम। साला मर रहा था तो जिंदगी का रास्ता हमने बताया, अब हम ही को मर्दानगी दिखा रहा है। सतुआ सतुआ कुछ बोलेगा? जरा बढ़िया गाना लगा। सर समझ में नहीं आता। लगा? यही हाल रहा ना, तो एक एक करके घर का सब चीज खत्म हो जाएगा। 7 दिन में बच्चों को भी भूखे रहना पड़ेगा। तुम शुक्ला जी से काहे नहीं मिलते? सुना शहर में उनकी बड़ी जान पहचान है, शीला बता रही थी। नाम मत लो मेरे सामने उस कमीने का, पता नहीं कैसे कैसे काम बताता है। क्या बोलता है मालूम है? सिर्फ औरतों के लिए काम है। कैसा काम? अपनी कोख में किसी और के बच्चे को 9 महीने तक पालना और उसे पैदा करना। मतलब? मतलब क्या, जैसे गाय भैंसों का जानवरों का नहीं होता है, वैसे इंसानों का हो रहा है आजकल। कितना रुपया देंगे? तो लग क्या सोच रही हो? वैसे किसी की सूनी गोद भरना कोई बुरी बात तो नहीं है।
Congratulations. Thank you. The artificial insemination has been done. Oh, really? That's great. Thank you so much. Thank you. So there's no need to worry. Yeah. Tanvi, you just have to be extra careful. Mm-hmm. Yes. I will take care of her. Don't worry. All the best. Thank you. क्या बात है गौरी, तुम दूध क्यों नहीं पी रही हो? इसे पी लो, इसके बाद तुम्हें विटामिन की गोलियां भी खानी है। जी, हम इससे पहले दो बार माँ बन चुके हैं और हमारे तो बड़े गोलमटोल प्यारे प्यारे से बच्चे होते। देखिएगा, इस बार भी ऐसा ही होगा। लो दूध पी लो। आप मानेंगी नहीं। याद आई, आइए। कुछ नहीं, आओ। हाय दैया, इतना पानी। आए दीदी, आओ ना। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं ही ठीक हूँ। गुदगुदी हो रही है। आपको पता है हमारे गांव की जो नदी है ना, इसके सामने इतनी सी लगती है। दीदी वो देखो। क्या क्या देख रही हो गौरी? ये देखो सीपी। हा? सीपी? सीपी क्या होता है? ओ, यू मीन शेल। इसके अंदर ना मोती होता है। जैसे मेरे पेट के अंदर 3 महीने से मुन्ना है ना। गौरी, तुम कितनी आसानी से कंपेयर कर लेती हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। एक और। गौरी ने क्या कहा? गौरी जी, क्या कहा तुमने? जैसे 3 महीने से मेरा मुन्ना मेरे पेट में है। मेरा मुन्ना? बात कहें आपसे? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानेंगे? ना ना, अगली बार आए तो बच्चों को ना लाइएगा। कहे पिट्टू अब इतना छोटा भी नहीं रहा,
कल को भनक पड़ गई गांव में किसी से कह दिया तो। अरे बाप रे, देखा हमें तो पता ही नहीं था ये बात। हाँ पहले क्यों नहीं सोचा हमने ये। अच्छा ठीक है, अगली बार आएंगे तो अकेले आएंगे और साथ में तुम्हें भी ले जाएंगे। वो क्या है ना कि बीच में आ नहीं पाएंगे हम। काहे? चौधरी साहब खुद घर आए थे और मूर्ति बनाने के लिए, दुर्गा की, मालूम है? हमें बड़ा अच्छा लगा। अगर ये काम पहले मिल जाता तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। नहीं अब छोड़ो भी, बीती बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। चूचवीद, तुम कौन हो बेटा? किसके साथ आए हो? मुन्ना बेटा आ जाओ, नाश्ता तैयार है। माँ ये किसका बेटा है? गौरी का बेटा। आ जाओ बेटा आ जाओ, भूख नहीं लगी क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। गौरी का बेटा। हे दैट्स अ बेबी। यू नो व्हाट, इस बेबी ने सब कुछ बदल दिया है। वही तुम, वही मैं, वही वर्क प्रेशर, फिर भी हर रोज नया नया सा लगता है। सो लवली। देखो गौरी ये साड़ी कैसी है? ये सब तो बहुत महंगे, इतने महंगे कपड़े नहीं पहनते गांव के लोग। गौरी तन्वी देना चाहती है तो ले लो ना प्लीज। इतनी सारी चीजें कभी हमारे बच्चों को किसी ने नहीं दी। आप बहुत अच्छी, भगवान आपका भला करे। भला तो कर ही रहे हैं, तुम जो मिली हो। आपने सबके लिए खरीदारी कर ली, मेरे नन्हे के लिए तो कुछ लाई नहीं। किसकी बात कर रही हो गौरी, मैं समझी नहीं। तन्वी समझा करो। गौरी तुम्हारे बच्चे की बात कर रही है। देख लिया ना, सुन भी लिया ना, हमेशा ऐसे ही करती है। मुझे तो अभी डर लगने लगा है, कहीं ये बच्चा देने में। Really mean it? I don't know. I can't stand this. मुझे बहुत डर लगता है और गुस्सा आता है। Cool baby, cool. Have patience. Everything's gonna be fine, okay? Okay. लेकिन पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। सुनो एक बात कहूं? कहो। ये जो गौरी है ना वो इतनी अच्छी है, लेकिन उसकी एक बात मुझे पसंद नहीं है। कौन सी बात? वो हमारे बच्चे को अपना बच्चा कहती है। ओह माय गॉड, समवन्स रियली गेटिंग जेलस। हाँ ऐसा मत सोचो यार, हमारे लिए सारी तकलीफें वही तो झेल रही है ना। बोलने तो जो से बोलना, यू डोंट टेक इट टू हार्ट। या यू आर राइट।
एनीवे लेट्स गो टू स्लीप, कल ऑफिस भी जाना है. ओके गुड नाइट. जाता है हमारे साथ. हाँ, जी जोर से मारे, मारेंगे तुझे पकड़ के. मारेंगे नहीं, खेलेंगे तुम्हारे साथ. गौरी शैतान. दीदी किससे बात कर रही हो? इधर बैठिए ना. हाँ दीजिए. अभी अभी हिला. क्या कब से? बस अभी. गौरी कैसा लगता है? बहुत अच्छा. हाँ? ऐसा लगता है जैसे हमसे बात करना चाहता है. मैं बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आपका तो बच्चा है. हाय बेबी. टॉक टू मम्मी. हाय बेबी. बेबी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. वो शायद सो गया. सो गया? कोई बात नहीं, जैसे ही जागेगा ना हम तुरंत आपको बुला लेंगे, है ना मुन्ना? जैसे ही जागोगे ना हमें बता देना, हम दीदी को बुला लेंगे. जिसको छुआना, जिसको जियाना, एहसास उसका कैसे जगे. अपना है लेकिन अपना नहीं वो. सोचूं अगर तो क्यों ये लगे. सोच के बातें ये सारी बातें, सांस थमी रह जाती है. थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है. खिलते हैं चेहरे, हंसती है आंखें, फिर भी नमी रह जाती है. थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी सी कमी रह जाती है. दीदी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं. गौरी तुम ये बच्चा मुझे दोगी ना? कैसी बात करती हो दीदी. ये बच्चा मुझे माँ बुलाएगा? आपको माँ जरूर कहेगा. दीदी बीच चाहे कहीं से भी आए, धरती माँ की गोद में ही पनपता है
बढ़ता है। आपका बच्चा है, आपको माँ जरूर बुलाएगा। तुम बहुत भोली हो गौरी। हम जानते हैं, आपका दर्द समझ सकते हैं। आप माँ नहीं बन सकती ना, इसलिए आपको शंका हो रही है। नहीं गौरी, वो ऐसा नहीं है। हमने तुमसे सच छिपाया है। जी हाँ, मैं माँ बन सकती हूँ गौरी। जी तो फिर हमें क्यों बुलाया? वो गौरी, ऑफिस में मुझे बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। नाम, पैसा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। नाम, पैसे के लिए आप मां नहीं बनना चाहती? गौरी, गौरी देखो, तुम अगर इतना स्ट्रेस्ड हो जाओगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चा? आपके पास समय किधर है अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए? कैसी मां है दीदी आप? आप अपने बच्चे को अपनी खोख नहीं दे सकती। कल को वो बड़ा होगा, आपसे पूछेगा, आप क्या जवाब देंगी? कि मुझे नाम पैसा चाहिए था इसलिए मैं तुम्हें पैदा नहीं कर सकी, किसी और की खोख ली? देवी समझती थी मैं आपको, दिल तोड़ दिया आपने। गौरी, 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 गौरी सुन। तन्वी, मैंने आज तक तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारा साथ दिया है, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए। Award of the year, an award for excellence in the field of microfinance. This award goes to none other than Ms. Tanvi Sharma. Her commitment and invaluable contribution. डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया ना? To tackle situational hazards, her cooperation with colleagues and juniors. She has reached this position in a span of only 7 years. Sister, just be careful, please. डरना नहीं गौरी, कुछ नहीं होगा. Well done, Tanvi. Thank you so much. Your cooperation. Thank you for encouraging me at every step I took.
I'm very happy for this. I'm very proud of this. क्या हुआ बेटा? उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। आईसीयू में क्यों? मुझे लगता है कुछ सीरियस मामला है। अब क्या करें? फोन करो तन्वी को। फोन करो। HR department has informed me that Miss Tanvi Sharma has been promoted. She is now a vice president. Congratulations. क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रही है। Try again. हेलो, हाँ निखिल, बोलो। क्या? क्या? डॉक्टर्स अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केस बहुत सीरियस है। मुझे नहीं लगता कि वो मां और बच्चे दोनों को बचा पाएंगे। अब ऐसे में तन्वी से क्या कहेंगे हम? हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? भगवान को कोसने से क्या फायदा? अब हमें ये सोचना है। इसमें सोचने की क्या बात है पापा? तन्वी, अपने बच्चे के लिए दो बच्चों से मां छीन लो, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, हमारे फायदे के लिए पापा। कैसी हो? ठीक है। बच्चा कैसा है मालूम है? हम उसके लिए खिलौना लाए हैं। एक मिनट। ये देखो, अपने हाथ से बनाया हमने। और क्या देते हैं? चलो अब इसे देकर बच्चे के मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। चलो, क्या हुआ? बच्चा खो दिए, बच्चा खो दिए। दीदी, हम
हम चलते हैं दीदी। अपना ख्याल रखना। आप भी। राम राम। दिल पे भार रख के नहीं जाना चाहते हम। एक बात कहें आपसे। माफी मांगना चाहते हैं। जो खुशी आपको देने आए थे दे नहीं पाए, पर शायद भगवान को यही मंजूर था। शायद वो चाहता था कि आप अपने आप महसूस करें मां बनने का सुख। अपने पेट पे हाथ रख के अपने बच्चे से बात करने का सुख, उसकी लात खाने का सुख, अपनी सांसें देकर उसे सांस देने का सुख, अपने खून से सींचकर उसे अपने गोद में खिलाने का सुख। छोटा मुंह बड़ी बात कहे दीदी। दुनिया के सारे सुख एक तरफ है, ये नाम, ये पैसा, ये जो इनाम मिलते हैं आपको, सब एक तरफ है। मां बनने का सुख एक तरफ। भूल चूक माफ दीजिए।